एपिसोड 306 ध्रुव का मकसद। ध्रुव को लग रहा था कि इतनी रात में शायद माई कहीं बाहर गई है, इसलिए दरवाजा खुला है। लेकिन माई ने एकदम से सामने आकर सबको हैरान कर दिया। माई ने कहा कि ध्रुव जाते जाते घर का दरवाजा बंद कर दे। ध्रुव जैसे ही मेन दरवाजा बंद करने के लिए पीछे पलटा, उसने देखा बगीचे के पास लगा बड़े से लोहे का ग्रिल खुला हुआ था और उसके पास ध्रुव को किसी की परछाई नजर आई। उसने सोचा कि जब घर के सारे सदस्य घर के भीतर हैं, तो ये ग्रिल कैसे खुला हुआ है और उसके पास परछाई किसकी है। ध्रुव के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। उसने एक बार फिर पीछे पलट कर ये श्योर जरूर कर लिया कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। जब सबके कमरों के दरवाजे उसे बंद दिखे तो वो धीरे से बाहर निकला और मेन गेट को बंद कर वो आगे बढ़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वो परछाई उसे स्पष्ट दिख रही थी। ऐसा लग रहा था वो ग्रिल के बाहर कुछ कर रहा है। हल्की चांद की रोशनी में जितना संभव हो उतना रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही ग्रिल के नजदीक पहुंचने को हुआ, एकदम से बादलों ने चांद को घेर लिया और वहां अजीब सा अंधेरा फैल गया। ध्रुव ने चौंक कर चारों तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके आसपास फुसफुसा कर कुछ कह रहा हो। दबी दबी सी चीख सी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर या कोई छोटा बच्चा या कोई पक्षी दर्द में तड़प रहा है। इतनी दबी आवाज थी कि वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। कुछ ही सेकंड के बाद एक बार फिर बादलों ने चांद को जैसे ही आजाद किया और वहां हल्की रोशनी फिर से फैल गई तो ध्रुव ने अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। उसने देखा कि जो परछाई अब तक उसे ग्रिल के पास नजर आ रही थी, अब वो परछाई कहीं दिख नहीं रही थी, बल्कि वो ग्रिल भी बंद था। ध्रुव ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो खुली हुई थी, तभी वो यहाँ आया था। पर ऐसा कैसे हो सकता था कि परछाई भी गायब थी और ग्रिल भी पहले की तरह बंद है। तभी ध्रुव को अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना पैर हटाया और नीचे देखा तो उसका पैर एक मरे हुए कौवे के ऊपर पड़ा हुआ था। उस कौवे की गर्दन से खून बह रहा था। ध्रुव ने तुरंत अपना पैर पीछे किया और बोला, हे भगवान, ये क्या है। इतना कहता हुआ ध्रुव घुटनों के बल वहां बैठ गया और अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके उस कौवे के आसपास गौर से देखने लगा। उसने देखा कि उस कौवे के ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। ध्रुव ने कहा, इसकी हालत देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि अभी मरा है, खून भी जम सा गया है, लगता है जैसे काफी पहले ही बेदर्दी से मौत हुई है और इसकी लाश पर कीड़े भी रेंग रहे हैं, लेकिन शाम तक तो ये यहाँ नहीं था। इतना दिमाग में आते ही ध्रुव तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने ग्रिल को खोला और तुरंत बाहर निकल गया ये देखने के लिए कि आखिर ग्रिल के बाहर चल क्या रहा है। ध्रुव ने जैसे ही अपने कदम ग्रिल के बाहर किए उसके होश लगभग उड़ गए। ग्रिल के बाहर कौवों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन सारे कौवों को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया है और उन सबको लाकर यहाँ डाल दिया गया है। ध्रुव को उल्टी सी आने लगी थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और बोला, ये क्या है, इतने सारे कौवों की मौत इस तरीके से, ये तो बहुत अशुभ चीज है। ध्रुव उन कौवों की तरफ देखता हुआ बोला, ये जो भी है और वो ये चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मेरे कदम रखने से उसकी क्रियाओं में बाधाएं आ रही हैं, इनकी मौत बेवजह नहीं है और ना ही स्वाभाविक है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए किया गया है। ध्रुव पूरी हवेली पर नजर मारता हुआ बोला, सुन लो, जो भी है इस हवेली में, उस गुफा में, इस गांव में या कहीं भी, जो कोई ताकत है, मैं देवदत्त हूँ जिसे ईश्वर ने इसीलिए चुना है, इसीलिए नया जन्म दिया है ताकि अंधेरी दुनिया के तमाम रखवालों को वापस उनकी दुनिया में भेज सकूं और इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों का वर्चस्व रहे और वही रहेगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि ऐसी हरकत करके तुम मुझे विचलित कर रहे हो तो तुम मुझे अपने करीब बुला रहे हो। तुम्हारी हर हरकत मुझे तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ने पर मजबूर कर रही है। इतना कहते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और बोला, ओम शांति। फिर जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था, न कौवों की लाश थी, न एक बूंद खून का कतरा, बल्कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति फैली हुई थी। ध्रुव के होठों पर हमेशा की तरह एक सौम्य और शांतिपूर्ण वाली मुस्कुराहट आ गई और वो वापस हवेली के भीतर बढ़ गया। ध्रुव जैसे ही हवेली के गेट के भीतर आया, वो ग्रिल अपने आप जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ। इसका मतलब साफ था कि ध्रुव की अभी अभी दी हुई चुनौती वहां मौजूद जो भी शक्ति थी उसे गुस्सा दिला रही थी, लेकिन ध्रुव बिना इसकी परवाह किए आराम से जाकर सो गया। अगली सुबह जब ध्रुव की आंख खुली तो उसने देखा कि विक्की उसके बगल में नहीं था। ध्रुव जल्दी से उठा और फ्रेश होने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर आया, उसने देखा बाहर हॉल में बैठकर विक्की तारा को मनाने में लगा हुआ था। ये देखकर ध्रुव ने अपना सिर पीटते हुए खुद से कहा, ये लोग कहीं भी शुरू हो जाते, सुबह हुई नहीं कि इनकी नौटंकी शुरू हो गई। ध्रुव बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ बोला,
सही है, तुम लोगों के जीवन में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ध्रुव की बात पर विक्की मुंह बनाता हुआ बोला, तो तेरी तरह नीरस नहीं है ना हर कोई, और वैसे भी उसने पहले ही मेरी लव स्टोरी का सत्यानाश कर दिया है, और तू अपनी टीका टिप्पणी से और बर्बाद मत कर, जाकर अपना काम कर। ध्रुव लापरवाही से वहां से चला गया। विक्की की बौखलाहट पर तारा के होठों पर शरारती मुस्कान थी जिसे विक्की देख नहीं पा रहा था। जैसे विक्की ने तारा की तरफ देखा तो तारा एकदम से गंभीर होकर वापस बैठ गई और विक्की ने एक बार फिर अपनी कोशिश शुरू की तारा को मनाने की। कुछ देर बाद सब तैयार होकर जल्द ही गुफा जाने के लिए निकल पड़े थे। कल सब खाली हाथ गए थे, लेकिन आज माई के हाथ में एक थाल थी जो ढका हुआ था। ध्रुव ने पूछा, इसमें क्या है माई? मेरा मतलब है कल तो हम पूजा की कोई सामग्री नहीं ले गए थे ना, ऐसे थाल में सजा कर तो फिर आज क्यों? माई ने कहा, पहले दिन बस आवाहन करते हैं इसलिए किसी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज से पूजा शुरू हो रही है विधिवत तरीके से, इसलिए आज से हमें सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। ध्रुव ने कहा, लाइए मैं ले लेता हूँ, लेकिन माई इनकार करती हुई बोली, नहीं, इन सामग्रियों को वही छू सकता है जो वहाँ मौजूद होगा, और माफ करना लेकिन तुम पूजा में सम्मिलित नहीं हो रहे हो, इसलिए तुम इसे नहीं छू सकते हो। इतना कहकर माई आगे बढ़ गई और उनके पीछे पीछे ही बाकी सब भी निकल गए। विक्की भी अनन्या को कोसता हुआ उससे झगड़ा करता हुआ आगे बढ़ गया था, लेकिन ध्रुव अभी भी जाती हुई माई को देख रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। तारा ध्रुव के बगल में चलती हुई बोली, ध्रुव क्या बात है, सब ठीक तो है? ध्रुव ने कहा, नहीं तारा, कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत गहराई है, बहुत रहस्य है। इन सब का उजागर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे भी अपनी बहुत सी सिद्धियों को जानना बाकी है। ध्रुव की बात सुनकर तारा बोली, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था, सुबह से मौका नहीं लग रहा था, और फिर सब साथ होंगे तो शायद हमारी बात नहीं हो पाएगी। ध्रुव बोला, हाँ बोलो ना, बल्कि कल भी तुम कुछ कह रही थी तो अचानक पूजा आ गई थी। तारा ने कहा, नहीं कल तो खैर ऐसी कोई खास बात नहीं थी, मैं आज रात की बात कर रही हूँ। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि तुमने ऊपर किसी को देखा है और कौवे का पंख जो मुझे नहीं दिखा था? ध्रुव ने कहा, हाँ। तो तारा बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर तारा ने अपनी फुल स्लीव कुर्ती के स्लीव को थोड़ा सा ऊपर किया और अपनी कलाई दिखाते हुए बोली, ये देखो। तारा के हाथ में काले मोती का एक ब्रेसलेट था और उस ब्रेसलेट को देखकर ध्रुव बोला, ये क्या है और तुमने ये कब लिया? मेरा मतलब है तुम्हारे हाथों में तो सफेद मोतियों का ब्रेसलेट था ना? तारा बोली, हाँ ध्रुव, बल्कि वो कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं था, वो मेरे पापा ने मुझे लाकर दिया था, अभिमंत्रित ब्रेसलेट था। वो पापा जानते थे कि मैं बचपन से इन चीजों में एक्टिव हूँ और इन चीजों को महसूस कर सकती हूँ, तो इसलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरा कुछ बुरा ना करे, इसलिए पापा ने मेरे लिए ये ब्रेसलेट बनाया था, मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे, वहां पता नहीं कैसे मेरा ये ब्रेसलेट गिर गया था। बाद में जब मैंने ध्यान दिया कि मेरा ब्रेसलेट मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने पूरी हवेली में उसे ढूंढा और आखिर में मुझे वो वहीं सीढ़ियों के पास कोने में गिरा हुआ मिला। तो मुझे याद आया कि जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो गिर गया होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये काला पड़ चुका है। तारा की बात सुनते ही ध्रुव ने तुरंत तारा के हाथों से ब्रेसलेट को निकाल कर उसे दूर फेंक दिया और बोला, ये तुमने क्या किया? ऐसी चीजों को वापस धारण नहीं करते हैं, बल्कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं, तुम्हारे नुकसान का कारण बनेंगे, ये पवित्र नहीं रहे। तारा ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर घूम रही थी, और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी मुझे नजर लगती थी या कोई भी चीज होती थी ना, तो इस ब्रेसलेट का एक मोती काला होता था या खुद टूट जाता था, जैसे अभी भी होता है ना गाँव में, बच्चों को काला और सफेद मालाएं पहनाते हैं। मान्यता है कि जैसे बच्चों को नजर लगती है तो वो टूट जाते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही लॉजिक था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा ही काला पड़ गया हो, या मैंने कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी थी। ध्रुव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तारा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, देखो तारा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बात घबराने की है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जो डरने वाली बात है, चिंता वाली बात है, लेकिन हम सबके सामने इन चीजों को कह नहीं सकते। मैंने कल अनन्या से बात करने की कोशिश की, मुझे लगा कि ये उसका पुश्तैनी घर है, उसको कुछ तो पता होगा यहाँ के बारे में, लेकिन अनन्या को कुछ नहीं पता, बल्कि उसे ये सब कुछ मजाक लगने लगा था। अब हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि इस घर की हिस्ट्री क्या है। मैं यहाँ जो महसूस कर रहा हूँ ना तारा, वो कुछ मामूली नहीं है। तारा ने कहा, ध्रुव, तुम तो खुद इतने शक्तिशाली हो, तुम क्यों नहीं कुछ करते? तुम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि हकीकत क्या है और ये सब चल रहा है? वो क्या चल रहा है? क्योंकि सच कहूं तो मुझे माई का अनुष्ठान भी कुछ अलग अलग ही लग रहा है। ध्रुव ने कहा, मैं कर सकता हूँ तारा, लेकिन हम अभी अभी यहाँ आए हैं, इतनी जल्दी सोचो, हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, वो हमें विचलित करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो कोई मामूली शक्ति नहीं है,
और अगर मैंने खुलेआम कुछ करने की शुरुआत की तो हो सकता है कि वो विकराल रूप ले ले और फिर वो बाकी लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाए। जो दबा हुआ है उसे दबा रहने दो। मैंने कहा ना, मैंने यहाँ जो शक्ति महसूस की है ना, वो भी अधूरा है, अपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी शक्तियों को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहा है। ये सब कुछ जो भी है ना, उसकी कोशिश है, इसीलिए वो भी खुलकर हमारे सामने नहीं आ रहा। बस मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। तारा ध्रुव की तरफ देखती हुई बोली, ऐसा तो कभी पाली में भी नहीं हुआ था। बंजारन इतनी शक्तिशाली थी, इस तरीके से उसने हम पर सीधा वार नहीं किया था। तारा की बात पर ध्रुव ने बहुत शांत आवाज में कहा, क्योंकि बंजारन एक पूर्ण शक्ति थी और उसकी शक्तियों से ज्यादा उसका छल चलता था। लेकिन यहाँ जो है वो है तो बंजारन से ज्यादा ताकतवर लेकिन अपूर्ण है, और जब तक वो खुद को पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो इसी तरीके की हरकतें करेगा। इसलिए हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर ये है क्या, और इसे पूर्ण होने से भी रोकना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर तारा बोली, तुम्हें नहीं लगता ध्रुव कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम बोल देंगे अनन्या के घर वालों को कि हमारे अपने घर पर कुछ काम आ गया है, इसलिए हम जा रहे हैं, हम इस पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ध्रुव हैरानी से बोला, ये बात तुम कह रही हो तारा? अगर विक्की ये कहता तो मुझे हैरानी नहीं होती। और रही बात कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो अब ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं यहाँ आया हूँ तारा, तो ये मेरा काम है, मेरी जिंदगी का यही तो मकसद है, और मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे एक नया मकसद दे रहे हैं, तो उसकी आज्ञा को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया और तारा ने सहमी हुई नजर से पीछे पलटकर अनन्या के घर को देखा।